नमस्कार, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं हरियाणा के करनाल जिले की कुष्ठ आश्रम की। आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं और आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हाथ और पैर से लाचार हैं, सरकार से मदद मांगने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि तमाम जिलों से, कुष्ठ आश्रम से जो लोग हैं वो आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सरकार के सामने एक अपनी मांग को रखते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी लोगों की यही एक मांग है कि पिछले काफ़ी दिनों से इनको जो है राशन दिया जा रहा था, अब कहीं ना कहीं इनको राशन भत्ता सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा। और वहीं दूसरी ओर गहरी एक जो निराशा है वो भी यहां पर जो है जताई जा रही है। ये तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल जिले की, क्योंकि मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र लगता है करनाल और तमाम जो कुष्ठ आश्रम से जो लोग हैं, तमाम जिलों के जो लोग हैं वो आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कुछ एक महिलाएँ भी यहाँ पर पहुँची हुई हैं, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। बहन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस विषय को लेकर आज यहाँ पर इकट्ठा हुए आप? हमें राशन के लिए इकट्ठा हुआ है। हाँ हाँ। साल भर हो गया राशन का, हमारा कोई सुनाई नहीं। अच्छा। ना जब से लॉकडाउन हुआ दान भी बंद। अच्छा। ना हमारा बीपीएल भी नहीं है। अच्छा। डिपू में भी हमारा कोई साधन नहीं। अच्छा। हाँ। तो पहले आपको राशन मिलता था? हाँ, डिपू में पहले राशन मिलता था आपको? हाँ, राशन 1100 रुपया। 1100 रुपया में क्या होता है? अच्छा। 1100 रुपया में कुछ भी नहीं होता। अच्छा, तो कितने समय से राशन नहीं मिल रहा आपको? अभी एक साल हो गया। एक साल हो गया। कहाँ से कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते करनाल। तो ये आप देख सकते हैं कि एक साल जिससे जो है इन लोगों को राशन नहीं मिल रहा, और अपनी बात को हरियाणा के मुख्यमंत्री के आगे रखने जा रहे हैं। कुछ एक लोग और भी जुड़े हुए हैं, आप बताएं क्या कुछ कहना। हम अम्बाला से आए हैं जी, पशुपति कुष्ठ आश्रम से। हमारे तो दो ढाई साल हो गए, हमारे तो राशन भत्ता भी नहीं मिलता है। अच्छा। और सरकार से कुछ भी नहीं, जहाँ भी जाओ बस ऐसी है। अच्छा। सरकार तो ये कहती है हम वो कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। पहले राशन भत्ता मिलता था? पहले राशन भत्ता मिलता था। अच्छा। कांग्रेस के 10 साल रहे, हुड्डा साहब ने दिया है। अच्छा। कभी एक दिन भी रुकावट नहीं किया। अच्छा। तो अब क्यों बंद किया? अब क्यों बंद किया? वो कहते भी है ही नहीं हम देने के लिए, हमारे पास कोई जगह। अच्छा। तो हमने भी पूछे भी कई बार, इसलिए हमने अभी 2 अक्टूबर को हमने दिल्ली में धरना देंगे इस बार। अच्छा। जम के सारे कॉलोनी वाले इकट्ठे होकर देंगे, जैसा किसान दिए ना, किसान से ज़्यादा देंगे हम लोगों ने। तो ये आप देख सकते हैं 2 अक्टूबर को जो है दिल्ली में धरना देंगे अगर इनकी बात को नहीं माना गया। आप ये देख सकते हैं किस तरीके से लाचार हैं, चलने में असमर्थ हैं, और फिर उसके बाद जो है राशन भत्ता इनको नहीं दिया जा रहा। आप बताएं क्या कहना चाहें। हम हरियाणा फरजाबाद भारत माता कुष्ठ आश्रम से आए जी, हम लोग 4 बंदे आए हैं। हम लोग को जो राशन है, इंदिरा गांधी भजनलाल रहने टाइम में उनका जो सरकार था उसी टाइम पे हम लोग को राशन चालू किया गया। हम लोग आज टाइम पे, हम लोग उस टाइम पे भी 4-5 बार धरने पे आया था। राजगढ़ गांधी समाधि से हम लोग रैली निकल करके, जितना भी हरियाणा का हम लोगों ने सारा हरियाणा भवन तक रैली जा करके वहाँ पर बैठ के धरना किया था। वहाँ पर से हम लोगों ने राशन लिया, उस टाइम से राशन चालू किया था। अभी तक 2020 तक तो हम लोगों ने पूरा ग्रैंड पास हुआ, हम लोग को मिला। अभी तब से हम लोग 2020 पे जो मार्च महीना 23 तारीख जो लॉकडाउन हुआ था उस टाइम से हम लोग के ग्रैंड पास में हुआ। अभी भी हम लोग जा करके रेड क्रॉस के द्वारा हम लोग को जो छूट मिलता था, ग्रैंड पास होता था, देता था, वहाँ पर जाकर पूछने भी बोल दिया। ऊपर से आप लोगों का ग्रैंड आया नहीं है, आना भी मुश्किल है करके बोल दिया। हम चंडीगढ़ में जो ग्रैंड पास होता मतलब ये सरदार से हम लोग ने बात किया, बात करने के बाद में फिर भी मैं 2 बार बात किया, कल भी बात किया, आज भी बात किया करके उन्होंने बोला। 1 हफ्ते के पहले भी रिक्वेस्ट गया था फरीदाबाद में, उन लोग भी फिर भी यही जवाब दे रहे हैं। हम हफ्ते में 1 बार 10 दिन का 15 दिन का 1 बार जैसे बुलाया था हम जाते हैं, अभी तक हम लोगों को कुछ जवाब बराबर नहीं मिल रहा। हम क्या करेंगे, क्या सरकार से क्या गुहार लगाना चाहिए? जैसा हमारा त्याग साहब जो हमारा प्रेसिडेंट अभी जो इसका हमारा सारा लेबर सिकाल लेगा, उनका अध्यक्ष मान के से भी हम बात करना चाहेंगे। सर आप बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितने जिलों से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं? ये लोग 13 जिलों से आए हैं आज, 18 आश्रमों से 13 जिलों से। जी, पिछले 2 साल से 13 आश्रमों को कोई राशन भत्ता नहीं मिला सरकार की तरफ से, और पिछले 1 साल से 5 आश्रम में उनको सरकार की तरफ से राशन भत्ता नहीं मिला। जी, फिलहाल जहाँ हम खड़े हैं ये माननीय चीफ मिनिस्टर जी का विधानसभा क्षेत्र है, परंतु यहाँ भी 1 साल से भी राशन भत्ता नहीं मिला। अच्छा। हम बार बार पत्राचार समाज कल्याण मंत्रालय, गवर्नर महोदय, चीफ मिनिस्टर और जो चीफ सेक्रेटरी है, पत्राचार हर तकरीबन महीने पत्राचार जाता है हमारा, परंतु उसका कोई जवाब लौट के वापस नहीं आता ना, कोई ये बता रहा है कि पैसा देंगे नहीं देंगे, कब देंगे। परंतु ये लोग बड़ी समस्या में आए हुए हैं,
एक साल से पैसा नहीं मिला। पहले तो पैसा थोड़ा मिलता है, दूसरे प्रांतों में दिल्ली यूपी बिहार में पैसा ज़्यादा मिलता है, 3,000 भी मिलता है, 2,500 मिलता है, 2,000 मिलता है, परंतु हरियाणा में केवल मात्र 1,100 रुपये मिलता है। और हर साल इनकी संख्या घटती जाती है, हर साल संख्या घट रही है। तो हमारे नवनिर्वाचित सरकार से हमारी अपील है कि इन सभी को जो राशन भत्ता पेंडिंग इनका बकाया है 2 साल का, वो मिलना चाहिए। तो आप इस वीडियो को दोस्तों साथ के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। आखिरकार ये लाचार लोग जाएं तो जाएं कहाँ? कितना समय हो गया है आपको राशन ना मिले के? 1 साल हो। क्या कहना चाहेंगे सरकार जी? हमको विनती है कि हमको राशन चाहिए, हमारा बाल बच्चा को भी नौकरी नहीं। अच्छा, तो पहले भी मिलता रहा है आपको? जी पहले मिलता था, अभी 1 साल से बंद हो गया, कोरोना का वजह से बंद हो गया। तो अब नहीं मिल रहा आपको? नहीं मिल रहा। क्या नाम है आपका? जी सुकंदी। कहाँ रहते हैं? जी करनाल। तो ये आप देख सकते हैं आखिरकार ये कहाँ, ये जो लोग हैं ये कहाँ जाएं? आप बताएं कितना समय से जो है राशन आपको नहीं मिल रहा, आप बताएं। राशन मिल तो राशन पहले ये 6 किलो आटा मिलता है। अच्छा। 7 किलो चावल मिलते हैं। हाँ, अब मिलता है? नहीं मिलता है। अब नहीं मिलता? बहुत साल हो गया बंद हो गया। कितने साल से बंद हो गया? 5 साल से बंद हो गया। अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? कामेश्वर। चलिए आप इस वीडियो को दोस्तों साथ के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल जिले के कुष्ठ आश्रम की, जहां पर तमाम जिलों के जो मुखिया हैं वो आज यहां पर पहुंचे हुए हैं और इनकी बात को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। डिमांड एक कि आखिरकार जो राशन हमें पिछले काफ़ी समय से मिल रहा था वो आखिरकार राशन क्यों नहीं मिल रहा, राशन को बंद क्यों किया गया। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिए क्योंकि आपका एक शेयर इन लोगों के लिए बहुत ही कीमती है। अपडेट आपको देते रहेंगे, बने रहिएगा करनाल न्यूज़ 24।